नमस्कार, मैं हूं मनीषा। आरबीएम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए रुक करते देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही नगद निकासी पर जारी वीकली विड्रॉल लिमिट को करेगा खत्म। वही मौजूदा समय में सेविंग बैंक अकाउंट से एक हफ्ते में 24,000 रुपए की होती है निकासी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मेरठ के कारोबारी अभिषेक की हत्या के विरोध में अपनी पदयात्रा कार्यक्रम को रद्द कर दिया। वहीं शाह ने गठबंधन पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या है। यूपी में रोज 13 हत्याएं और 24 बलात्कार जैसी घटनाएं होती है। उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ 161% बढ़ गया है। पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने केंद्रीय बजट की आलोचना की। एंटनी ने कहा, पूंजीगत व्यय के लिए उल्लेखनीय सरकार ने राशि आवंटित की है। साथ ही कहा, पैसा खर्च नहीं कर पा रहा है मंत्रालय। एयरसेल मैक्सिस डील के मामले को प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें, विशेष अदालत के पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और अन्य को आरोप मुक्त करने को लेकर ईडी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगरा के बाह में रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर हमला बोला और कहा कि 15 लाख नहीं तो कम से कम 15,000 अकाउंट में डलवा दे। साथ ही कहा, हमने तो सब दिन देख लिए हैं, गर्मी के बरसात के, बताओ क्या किसी ने अच्छे दिन देखे। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किए जाने के बाद से तिहाड़ जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें, खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यासीन भटकल आतंकी संगठन ISIS की मदद से जेल से भाग निकलने की फिराक में है। BMC चुनावों में शिवसेना की सफलता राज्य की फडणवीस सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बता दें, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने संकेत दिए कि दोनों पार्टियों के रिश्तों में खटास जारी रही तो भाजपा के साथ सरकार चलाना मुश्किल होगा। राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव जयंत सिंह चौधरी का गठबंधन को लेकर बड़ा बयान आया सामने। जयंत सिंह ने कहा कि वे भाजपा से किसी भी सूरत में गठबंधन नहीं करेंगे और कहा कि यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य उनके घर भी आएंगे तो भी वे गठबंधन नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को मिलने वाले फेडरल फंड बंद करने की दी चेतावनी। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, अगर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देता है तो विपरीत विचारों वाले निर्दोष लोगों पर हिंसा करता है तो उसको मिलने वाले फेडरल फंड को बंद कर दिया जाएगा। ईरान ने अपने ताजा मिसाइल टेस्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की चेतावनी को बेबुनियाद करार देते हुए किया खारिज। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका तेहरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की बना रहा है योजना। देश में बढ़ते पॉल्यूशन के मद्देनजर हीरो इलेक्ट्रिक ने अपना नया इको फ्रेंडली स्कूटर फ्लैश किया लॉन्च। वहीं इस स्कूटर में 250 वॉट का मोटर लगा है, साथ ही स्कूटर में सीट के नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट भी दिया गया है। रिटायरमेंट की बातों को टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने किया खारिज। पेस ने कहा, अपनी डेविस कप रिटायरमेंट की घोषणा नहीं करेंगे। साथ ही पेस ने ये भी कहा, दूसरे लोगों की बातों से मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। फिल्म रंगून का एक और गाना टिप्पा रिलीज। ये गाना ट्रेन में फिल्म की मुख्य एक्ट्रेस कंगना रनौत पर फिल्माया गया है। फिल्म भारद्वाज द्वारा निर्देशित ये फिल्म 24 फरवरी को होगी रिलीज। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए RBM न्यूज इंडिया।